भीषण गर्मी और कोरोना की वजह से लोग अभी भी घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन सोचिए अगर तपती गर्मी में आपको घर पर बिना लाइट के रहना पड़े तो आपकी हालत क्या होगी। मामला बुलंदशहर के खुर्जा का है, जहां बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं, जिसके चलते खुर्जा उपजिलाधिकारी के नाम ज्ञापन लिखकर भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष हरजीत सिंह और वार्ड नंबर 19 की सभासद समेत दर्जनों की संख्या में लोगों ने खुर्जा नगर कोतवाली का घेराव किया, जहां खुर्जा SDM भी मौजूद थी। ज्ञापन में सभासद और स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते 15 दिनों से लाइट की सप्लाई में बेहद कटौती की जा रही है। बिजली विभाग की तरफ से 3 या 4 घंटे पूरे दिन में लाइट दी जाती है और गर्मी की वजह से अधिक परेशानी होती है। सभासद नवनीत कौर ने बताया कि इस समस्या से बिजली विभाग के अधिकारियों को पहले भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ये हमारे घर पहुंचे थे तो कहने लगे कि हमारी आज 15-20 दिन से लाइट नहीं आ रही है, तंगी हो रही है, ट्रांसफार्मर आते हैं फूक जाते हैं, ट्रांसफार्मर आते हैं फूक जाते हैं। तो इन हमने कहा हम आपका संविधान कर देंगे। ये कहने लगे हमें लेके चलो, हमने कहा नहीं, वहाँ पे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे ही 4 आदमी आए, ये लेडीज़ अपनी मर्जी से थाने में आई हैं, आप इनको पूछ सकते हो। लेकिन हम जैसे ही थाने में आए तो इन्होंने कहते हैं कि आप लोग इनको भीड़ को इकट्ठी करके लेके आए। हमें अभी कोई नहीं कह रहे हैं, हमारे से उन्होंने विज्ञापन ले लिया, जो हमने उनको लेटर दिया वो ले लिया, वो कहते हैं हम कार्रवाई करते हैं। बिजली विभाग वाले आज वहाँ पे मिले नहीं है। अच्छा, हाँ जी, पहले भी बोला होगा आपने, क्या कह दिया उन्होंने? नहीं, उनको पहले नहीं बोला था, जब भी हम जेई साहब से बात करते तो वो कहते हैं ट्रांसफार्मर फूक गया और हम आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो लाइट सप्लाई करते हैं। रात को 2:30 बजे लाइट आई है, सुबह चली गई है, सुबह से लेके अब दूसरे दिन के 2:30 बज गए, अभी तक लाइट नहीं आई है। तो वहीं खुर्जा SDM ईशाप्रिया ने ज्ञापन लेकर लोगों को इस समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर दर्जनों की संख्या में कोतवाली में जमा हुए लोग और भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष हरजीत सिंह को लॉकडाउन का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। कोतवाली में मौजूद खुर्जा क्षेत्राधिकारी सुरेश कुमार ने भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष हरजीत सिंह को जमकर फटकार लगाई। तस्वीरों में देखिए, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आप लोग अब 50 आदमी लेके यहाँ आ रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं। ये कौन सी बात की यार? नहीं नहीं, ये गलत बात है। मजबूरी चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरह से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह का आरोप स्थानीय लोगों द्वारा बिजली विभाग पर लगाया गया है, अगर वह सही है तो इस तपती गर्मी में बिना बिजली के घर में रहना वाकई परेशानी का सबब है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिजली की मार झेल रहे इन लोगों को कब तक इस परेशानी से निजात मिल पाती है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।